गिल से बेहतर जायसवाल हैं। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गंभीर रणनीति पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। दरअसल जब से टीम इंडिया श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारी है, तब से हर कोई अपने अपने ओपिनियन दे रहा है, जिसमें से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी को लेकर बहुत सारी चीजें बोली है। चलिए एक बार नजर डालते हैं बासित अली के उस बयान पर। इस सीरीज से पता चला है कि यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से कहीं बेहतर खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव को नहीं चुनना चयन समिति की बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, विराट कोहली फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे थे? वो सिर्फ अच्छे शॉट और चौके लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऋषभ पंत ने भी पहली गेंद पर चौका लगाया, ये क्रिकेट नहीं है। श्रेयस अय्यर का औसत 40 से अधिक है, हालांकि सूर्य कुमार यादव श्रेयस अय्यर से 1000 गुना बेहतर हैं। आपको किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो स्विप और रिवर्स स्विप खेल सके। सूर्य कुमार और जायसवाल इन स्पिनरों का सामना बहुत आसानी से कर सकते। बासित अली ने अपने बयान में यशस्वी जायसवाल को और शुभमन गिल को कंपेयर किया है, और ये बासित अली नहीं बल्कि हर कोई ये कंपैरिजन करता हुआ नजर आता है गिल और जायसवाल के बीच में। लेकिन आपको बताते कि शुभमन गिल के ओडीआई भी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, उनका एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज भी 60 प्लस है उनका, और अगर आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स भी देखेंगे तो दूसरे नंबर पे बाबर आजम के बाद बाबर आजम पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे शुभमन गिल है। साल 2023 शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा गया था, लेकिन जब से ओडीआई वर्ल्ड कप वो खेले उसके बाद से उनका फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, वो टेरिबल फॉर्म में थोड़े से नजर आए हैं। इस वजह से शुभमन गिल को हर कोई क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आता है। श्रीलंका सीरीज के लिए शुभमन गिल को वॉइस कैप्टन भी बनाया गया था, हालांकि T20 में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन ओडीआई में शुभमन गिल बुरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आए। पहले ओडीआई में भी रन्स नहीं बनाए, दूसरे ओडीआई में 35 रन्स का एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दिया, और तीसरे ओडीआई मुकाबले में सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज थे जो रन्स बना रहे थे। बाकी विराट कोहली के बारे में भी बासित अली ने बोला है कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को भी क्रिटिसाइज किया है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ऋषभ पंत आते हैं और आते ही चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, पिच और माहौल नहीं देखते हैं कि किस तरीके की पिच है वहां पे। ऐसी पिच थी, इतनी स्लो पिच थी, बॉल बहुत टर्न हो रही थी, और उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे बल्लेबाज चाहिए, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज चाहिए जो रिवर्स स्विप और स्विप लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव जो है उनके ओडीआई में आंकड़े बेहद खराब है। अगर सूर्य कुमार यादव यहाँ पे खेलते तो शायद वो भी रन नहीं बना पाते। T20I में आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओडीआई में इतना ज्यादा उनका बल्ला चलता हुआ नजर नहीं आता है, और इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव को आगे ओडीआई में अब मौके भी नहीं मिल पाएंगे। बाकी आप बासित अली के इस बयान से कितने ज्यादा सहमत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।